गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 190 वैकेशन ऑफ सीट्स, क्या है ये आर्टिकल, चलो देखते हैं। पहले थ्योरी पार्ट, फिर उसका पॉइंट। नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ फॉर द वैकेशन बाय ए पर्सन हु इज चूजन ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ हिज सीट इन वन हाउस और द अदर। ये क्लोज क्या कहता है कि कोई भी एक पर्सन भाई लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है। मतलब कि ना, ऐसा नहीं है कि वो MLC बन जाए और MLA भी बन जाए, ठीक है। उसको वो MLC है तो वो MLA बन सकता है, नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसको MLC की पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। अगर किसी MLA की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर भाई उसको चुना जाएगा, उसके एरिया से दोबारा इलेक्शन होंगे और वो चीज़ें 6 महीने के अंदर वो करवाई जाएंगी, उसको उस सीट के लिए जो उम्मीदवार है वो चुना जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखना इसको। ऐसा है कि मान लो कोई बंदा है जो MLC तो बन गया है, काउंसिल का मेम्बर बन गया है, ठीक है, अब उसकी रेपुटेशन पोजिशन ऐसी है वो MLA भी बन गया, तो इसमें बताया गया कि उसको एक पोस्ट खाली करनी पड़ेगी, एक ही जगह का वो मेंबर रह सकता है। तो मतलब सीट कैसे खाली हुई, सीट ऐसे खाली हुई कि मान लो एक बंदा भाई वो बन गया दोनों जगह पे, MLC भी बन गया MLA भी बन गया, तो एक जगह की तो उसके सीट खाली करनी पड़ेगी ना, तो वो सीट वैसे खाली होती है। यहाँ पे ये बताई गई वैकेशन ऑफ सीट और लेजिस्लेचर लॉ बना के बताया कि इतने टाइम में उसको क्या है वो सीट खाली करनी पड़ेगी, कि उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, या तो एक हाउस का मेंबर रहेगा या फिर वो दूसरे का, एक का तो उसे छोड़ना पड़ेगा अपना काम, ठीक है। ये वैकेशन ऑफ सीट। दूसरे क्लोज में क्या बोला गया है, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more स्टेट स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड इफ ए पर्सन इज चूजन ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more सच स्टेट देन एट द एक्सपीरेशन ऑफ सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन rules made by the president that person seat in the legislature of all such states shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of all but one of the states। second clause में ये बोला गया कि भाई कोई बंदा किसी state का MLC है और दूसरे state में जाके वो MLA भी बन गया, ठीक है, या फिर किसी एक state का MLA है दूसरे state में भी जाके वो MLA बन गया, उसके बारे में बताया गया क्या condition है। ऐसा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी स्टेट डिफाइन हैं उनका कोई एक बंदा, मतलब 2-3 स्टेट का क्या बन गया, MLA बन गया, तो इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट साहब ने रूल बनाया और रूल के हिसाब से जो ये इंसान 2-3 स्टेट का MLA बना है, इसको एक टाइम पीरियड के बीच में मतलब वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। वो चीज़ें कौन सी, कि भाई एक ही स्टेट का MLA रहो आप, ठीक है, मतलब यही है कि जो रूल के हिसाब से एक टाइम पीरियड के बाद उसको वो सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। रूल मेड बाय द प्रेसिडेंट दैट पर्सन सीट इज इन द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल सच स्टेट शैल बिकम वेकेंट, खाली करनी पड़ेगी, अनलेस ही हैज प्रीवियसली रिजाइन हिज सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल बट वन ऑफ द स्टेट। एक भाई जिसमें वो है पहले से, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, वो रह सकता है। तो मतलब यही है कि भाई सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि अगर कोई बंदा जो फर्स्ट शेड्यूल में, अगर जितने भी स्टेट गिवन है, ठीक है, उनके हिसाब से भाई कोई इंसान एक से ज़्यादा स्टेट का MLA बन जाता है, तो उसको अपनी जो सीट है वो वैकेंट खाली करनी पड़ेगी। और वो कैसे, प्रेसिडेंट साहब रूल बनाकर बताएंगे कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आपको ये सीटें खाली करनी पड़ेंगी, आप एक ही स्टेट के मेंबर रह सकते हो। उसके बाद है, इफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, सबसे पहले क्या बोला गया, बिकम ए सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लोज 1 or close 2 ऑफ आर्टिकल 191 और एक और पॉइंट रह गया, अगर वो बंदा सीट खाली नहीं करता है तो भैया उसको फिर सारी उस टाइम पीरियड के अंदर में, तो उसके बाद उसको सारे स्टेट की सीट से हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसको खाली करनी पड़ेगी, वैकेट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक पॉइंट कह लो खाली करने का सीट का। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भाई मान लो कोई बंदा किसी ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा है, तो वो सब नहीं करनी पड़ेगा, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आर्टिकल 191 में हम पढ़ेंगे। तो अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसको अपनी जो सीट है वो वैकेट करनी पड़ेगी।
ये पॉइंट बताए गए हैं कि भाई उसको अगर अपनी सीट को खाली करना है या किस रीजन से, ठीक है, क्या क्या रीजन बताए गए हैं सारे। उसके बाद है बी पॉइंट, रिजाइन्स इज सीट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर और द चेयरमैन एज द केस मे बी एंड हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। ये बताया गया कि भाई अगर कोई मेंबर है, चाहे वो एमएलसी है एमएलए है, उसको रिजाइन करना अपनी सीट से, तो वो क्या करेगा, अपना हाथ से एड्रेस करेगा, लिख के पेपर किसको देगा भाई, विधान असेंबली में किसको देगा, स्पीकर को, और काउंसिल में चेयरमैन साहब को। तो उनका रेजिग्नेशन जब एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट हो जाएगा तो कैसे, मतलब स्पीकर साहब अनुमति दे देंगे कि हाँ, और या चेयरमैन साहब काउंसिल के लिए अनुमति दे देंगे, उनके रेजिग्नेशन पे साइन कर देंगे, तो उनको अपनी सीट वो आराम से छोड़ के जा सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ठीक है। हिज सीट सेल देयर अपॉन बिकम वेकेंट, खाली हो जाएगी। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन रेफर्ड टू इन सब क्लोज बी इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक फिट द स्पीकर और द चेयरमैन एज द केस मे बी इज सेटिस्फाई दैट सच रेजिग्नेशन नॉट वॉलेंट्री और जेन्युइन ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच रेजिग्नेशन। ऐसा रेजिग्नेशन दे दिया और स्पीकर और चेयरमैन साहब ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर उनको नहीं लगा कि भाई ये जो रेजिग्नेशन जो है हाथ से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, किसी और ने दिया है किसी के दबाव में, या जेन्युइन नहीं है, तो वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्लोज है, इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज ए मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस अब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग देयर ऑफ द हाउस मे डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड ऑफ 60 डे नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरोग्यूड और इन एडजर्न फॉर मोर देन 4 कंजिक्यूटिव डेज। फोर्थ क्लोज ये कहता है कि कोई भी जो मेंबर है हाउस का, ठीक है, एमएलए एमएलसी, मेन तो एमएलए पे ही होता है ज्यादा, एमएलसी को कौन पूछता है इतना, अगर वो 60 दिन तक किसी मीटिंग में नहीं आता, हाउस में नहीं आता है, और दूसरा ना तो कोई मैसेज छोड़ा है हाउस को, ना ही तो कोई मैसेज दिया है हाउस को या कोई लीव एप्लीकेशन दी हो, तो ऑटोमेटिकली हाउस उसकी सीट को क्या कर देगा, खाली कर देगा, हटा देगा उसको, ठीक है। यही बात बोली गई, ऑल मीटिंग देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट, उसको हटा दिया, उसकी सीट को खाली कर दिया, उस बंदे को भगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बताया गया कि जो 60 डे हैं भाई, जो ऊपर वाला क्लोज हमने पढ़ा, ठीक है, अगर हाउस एडजर्न हो गया, पोस्टपोन हो गया उन 60 डे में, तो वो जो टाइम है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, जो भाई टाइम पीरियड है उसको डिक्लेयर करने का कि उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो वो नहीं माना जाएगा। यही है कि भाई ड्यूरिंग विच इज़ द हाउस प्रोरोग्यू एंड अर्जेंट फॉर मोर देन 4 कंजिक्यूटिव डेज, मान लो एक हफ्ते के लिए जो हाउस है वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है, तो अब कोई बंदा आ ही नहीं रहा है हाउस में, अब 60 डे में या वो एक हफ्ता, तो वो एक हफ्ते ऐसा नहीं है कि भाई वो भी माना जाएगा, नहीं वो नहीं माना जाएगा, वो आगे फिर हो जाएगा कि आगे जब जैसे ही 60 डे कंप्लीट हुए उसके बाद वो 7 दिन और दे दिया जाएगा उसको टाइम कि भाई वो आया या नहीं आया। तो वो चीज़ है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। तो यही था आर्टिकल 190। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।